Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6, chapter 5, Rural Administration. एक बार मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रूरल एरिया में लेकर गई. रूरल एरिया होता है विलेज वाला एरिया. तभी मेरा एक स्टूडेंट बोलता है, मैम, यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन ये दो फार्मर्स लड़ क्यों रहे हैं आपस में? फिर मैंने बताया, इन दोनों फार्मर्स का नाम है मोहन और रघु. रघु मोहन की जो फील्ड है, एरिया है, उसको हड़पना चाहता है, तो अपनी बाउंड्री थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता है. ये चीज जब मोहन नोटिस करता है कि अरे मेरा तो बहुत बड़ा फील्ड था, मेरी तो बहुत बड़ी जगह थी, ये तो छोटी सी हो गई, इसका मतलब रघु ने अपनी बाउंड्री जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर ली है, मेरी जगह को हड़पने की कोशिश की है. तभी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम ये तो मोहन के साथ गलत हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी जमीन कैसे वापस मिलेगी? ध्यान से सुनना, जब हम स्टेट को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, और जब डिस्ट्रिक्ट को भी हम डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट. तो अब हमें पता चल गया है कि जब स्टेट को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देंगे तो उसे बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत सारे एरियाज में डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा सब डिस्ट्रिक्ट. अब हम देखेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है और डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है. सब डिस्ट्रिक्ट को हम तहसील और तालुका भी बोलते हैं. ये कोई एड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है. एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है. आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में. सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है. ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है. अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ. मेरे अकॉर्डिंग तो मोहन को पटवारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि पटवारी सब डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में, विलेज वाले एरिया में सभी के लैंड को मेजर करता है और उस रिकॉर्ड को अपने पास रखता है. अगर किसी फार्मर को अपने लैंड की रिकॉर्ड चाहिए होता है तो वो उसकी कॉपी उस फार्मर को भी दे देता है. पटवारी को अलग अलग विलेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है. कहीं कहीं पे इन्हें बोला जाता है लेखपाल, कहीं पे कनंगो, कहीं पे कर्मचारी, तो कहीं पे विलेज ऑफिसर. पटवारी की और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और उनके पास कितना रेवेन्यू, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है उस क्रॉप से. पटवारी के भी एक हेड होते हैं जिन्हें बोला जाता है तहसीलदार. तहसीलदार देखते हैं कि पटवारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी फार्मर में लड़ाई हो जाती है लैंड को लेके तो वो अपनी प्रॉब्लम को तहसीलदार के पास लाते हैं और तहसीलदार उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तहसीलदार को रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं. अब तहसीलदार के भी एक और हेड होते हैं जिनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ये देखते हैं कि क्या तहसीलदार अच्छे से काम कर रहा है या नहीं. अब आपको पता चल चुका है कि पटवारी का हेड जो होता है वो तहसीलदार होता है, और तहसीलदार का भी जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में है. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोहन को किसके पास जाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम लेके. ये थी इस चैप्टर की स्टोरी. इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.